अम्मी किस टाइम दे? ओके जी, सो यू हैव कम बैक। लेट्स द अदर स्टूडेंट्स जॉइन। फर्स्ट मिनट सी योर स्क्रीन। ओके एंड देन वी शैल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड स्टैंजा। Okay, so to begin with third stanza, and since यहाँ तक ऊपर हमने पढ़ा था इससे पहले कि जो close like confessionals की तरह ये होती हैं, ambulances ये जाती हैं तेजी से शहरों में, ठीक है, और एक बिना देखे के जहाँ से भी वो गुजर जाती हैं, light glossy grey color की होती हैं, arms on plate जैसे कि तख्ते आराशी वगैरह होते हैं इनके ऊपर लगे हुए, और दे कम टू रेस्ट एट एनी कर्व, किसी भी किनारे पर किसी भी कोने पे वो रुक जाती हैं फुटपाथ के, ऑल द स्ट्रीट्स इन टाइम आर विजिटेड, तकरीबन सारी गलियों में से वो गुजर कर जाती हैं जो एम्बुलेंसेस होती हैं। देन चिल्ड्रन स्ट्यून ऑन स्टेप्स आर रोड, तो चिल्ड्रन जो है जो कि बिखरे हुए नजर आते हैं इधर उधर रोड के ऊपर, आर वुमेन कमिंग फ्रॉम शॉप्स पास स्मेल्स ऑफ डिफरेंट डिनर्स, या फिर जो वुमेन हैं औरतें वो आती हैं मुख्तलिफ किस्म की दुकानों से होकर या कोई डिनर वगैरह से, सी अ वाइल्ड वाइट फेस, जब वो देखते हैं सब लोग एक वाइल्ड वाइट फेस देखते हैं, दैट ओवर टॉप्स जो कि उन सारे फेसेस पे सबकत ले जाता है, सब उसी को देखने शुरू कर देते हैं, रेड स्ट्रेचर के ऊपर ब्लैंकेट मोमेंटली ब्लैंकेट्स जो है उसके ऊपर ब्लैंकेट सा कंबल सा दिया गया होता है, उन्होंने उसको कवर किया होता है और मोमेंटली क्विकली एज इट इज कैरिड इन एंड स्टोर्ड, और उसको पैक कर दिया जाता है ताकि जल्दी जल्दी उसको पहुंचाया जाए उसकी मंजिल की तरफ, ठीक है। फिर थर्ड आ जाता है स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा में वो कहता है कि एंड सेंस द सॉल्विंग एम्प्टीनेस, ठीक है, और अब वो सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग हो रही है उनकी एम्प्टीनेस को, सेंस को, उनके सेंस को समझ आ रही है, उसकी लाइफ को समझ आ रही है कितनी मीनिंगलेस है, एम्प्टीनेस है उनकी लाइफ हकीकत में, दैट लाइज जस्ट अंडर ऑल वी डू, जो कि अपने तमाम अमाल पर मुनसर है, जिसका इनसार ऑल वी डू, जो भी हम करते हैं उसी पर उसका इनसार है, एंड फॉर अ सेकेंड गेट इट होल, और एक सेकेंड के लिए सब कुछ यही है, एक सेकंड के लिए वो समझते हैं कि सब कुछ यही है, ये मौत ही हर एक चीज है, ठीक है, सो परमानेंट, और बिल्कुल ये इतनी ये परमानेंट है एंड ब्लैंक एंड ट्रू, और ये रियल है और बिल्कुल ये ब्लैंक है, बिल्कुल वाजे है, क्लियर है, ट्रू है, ये रियल है, रियलिटी है इसके अंदर, इस मौत के अंदर। द फर्स्ट डोर्स रिसीड, वो तेजी से डोर्स जो है वो फिर बंद हो जाते हैं, पुअर सोल, फिर लोग क्या कहते हैं, बेचारी रूह, दे विस्पर एट देयर ओन डिस्ट्रेस, हकीकत में वो अपने बारे में विस्पर कर रहे होते हैं, सरगोशी कर रहे होते हैं, कान में एक दूसरे के बोल रहे होते हैं, हकीकत में वो अपनी डिस्ट्रेस के बारे में, अपनी परेशानी कि हमें भी ये मौत आएगी, हमें हमारी जो लाइफ है ये भी एक क्या है कि आर्जी दुनिया है, ठीक है, इस आर्जी दुनिया के अंदर इमॉर्टल जो है मॉर्टल वर्ल्ड है, इमॉर्टल नहीं है हम, और इस डिस्ट्रेस को वो खुद को विस्पर कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर आ जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा। द नेक्स्ट स्टेंजा में कहता है फॉर बोर्न अवे इन डेड एंड एयर, क्योंकि उनको लेकर जाया जाता है
born away, carried away, यानी उनको लेकर जाया जाता है deadened air, मुर्दा हवा के अंदर, ठीक है, जो deadened air है उसके अंदर उसको लेकर जाया जाता है, may go the sudden shut of loss, ठीक है, और शायद हो सकता है कि वो sudden shut of loss, उनको लेकर जाया जाए एक shut of loss, खत्म होने एंड की तरफ, अपने अहतमाम की तरफ लेकर जाया जाए, राउंड समथिंग नियरली एट द एंड, शायद तकरीबन समथिंग कुछ ऐसा जो कि उनके अहतमाम की तरफ है, उनके जवाल की तरफ है, एंड व्हाट कोहर्ड इन इट अक्रॉस, और किस चीज ने इन्हें बांधे रखा अब तक, और किस चीज ने इन्हें अब तक इस लाइफ में जोड़े रखा, दे years, इतने सालों तक, the unique random blend, एक अजीब random without any discipline या sequence के बगैर जो होता है, एक blend, एक mixture सा था families का and fashions का, तो ये families और fashions के blend ने इतनी देर उन्हें इस चीज में जोड़े रखा, कट्ठे बांधे रखा, ठीक है, देयर एट लास्ट बिगिन टू लूजन, वो भी अब खत्म होने जा रहा है, जिस चीज ने ये फैमिलीज के और ये कल्चर ने इन्हें जोड़ा रखा, ठीक है, वो भी अब खत्म होने जा रहा है, फार फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ लव टू लाइफ, बहुत दूर अब वो जा रहा है, एक्सचेंज ऑफ लव, जो एक दूसरे से वो लव वगैरह करते थे, टू लाई, लेटने तक, लव से लेकर अब वो लेटने तक, लाई यानी मरने की तरफ जा रहा है, अनरीचेबल इनसाइड अ रूम, एक ऐसी जगह जिसको जिसको कोई भी पहुंच नहीं सकता, ठीक है, अनरीचेबल है इनसाइड अ रूम, ठीक है, एक कमरे के अंदर, ये सिंबॉलिकली ग्रेव को हम कह सकते हैं कि सिंबॉलिकली वो कब्र की तरफ जा रहा है, ठीक है, अनरीचेबल, जहां कोई भी और नहीं पहुंच सकता, इनसाइड अ रूम, एक रूम के अंदर, ब्रिंग्स क्लोजर, उसको नजदीक लाया जा रहा है, व्हाट इज लेफ्ट टू कम, जो के आने वाला है, यानी मौत के करीब उसको लाया जा रहा है, जो मौत अभी तक नहीं आई उसके करीब उसको लाया जा रहा है, एंड डल्स टू डिस्टेंस ऑल वी आर, और हमारे जो फासले हैं इस मौत के साथ, ये मदम हो जाते हैं, ऑल वी आर, हम तमाम जो हैं, जो कि अपनी मौत को बहुत दूर समझते हैं, ठीक है, वो भी ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारे फासले जो हैं मौत के साथ, वो भी मदम होना शुरू हो जाते हैं, कि हमें भी नजर आना शुरू हो जाता है कि हमारी मौत भी करीब है, ठीक है, जब हम इसको देखते हैं, ठीक है, ये पोइम एम्बुलेंस 5 स्टैंजास हैं जी इसके, समझ आ गई इसकी? यस सर। हाँ, बाकी ये देख लेना है जो टर्म्स हैं पिछली की शायद रह गई हैं, तो क्लोज लाइक कन्फेशनल्स, ये सी की साउंड और कन्फेशनल का साउंड रिपीट हो रही है, तो जब रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स हो तो उसको हम क्या कहते हैं? फिर अच्छा, ये जो एंजैपमेंट इसको बोलते हैं, अगर तो एक जो वर्स है वो वहां पर एंड हो जाए, यहाँ पर डॉट हो, ठीक है, जैसे कि ये है, तो इसको हम एंड स्टॉप्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर डॉट आ गया, फुल स्टॉप आ गया, तो ये खत्म, बाकी जो लाइन खत्म नहीं हो रही तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंजैपमेंट, ठीक है, इसके स्पेलिंग में इधर करके लिख देता हूँ, बहरहाल आप और रिसर्च कर लीजिएगा इसको, तो खास तौर पे ये उसमें भी आ जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी, ठीक है, टर्म के तौर पर, और जो हैं ये वाले पंजाब यूनिवर्सिटी वाले
तो ये जब वो reference to the context को explain कर रहे होंगे तो उसमें भी वो present कर सकते हैं कि the poet wants to say the clothes like confessionals they thread in an enjambment. He wants to convey that ambulance looks like a room of a church, okay, in which they are going to confess all their sins. Similar is the case with the patient who will be going to his journey towards death. He will confess all his sins during his journey towards hospital. ठीक है, इस तरह करके वो सारा जो भी explanation करेंगे तो उसमें वो साथ साथ ये भी touch देंगे जो एक technical touch होता है terms का, terminology का, जो jargons होते हैं उनको use करते हुए explain करते जाना है आपने. ठीक है, कि while also using the poet has also used this alliteration by portraying the words, the sounds of ka sound, a c sound. Okay, so loud noons of cities giving back none of the glances they absorb light glossy gray. So, ye glossy gray mein phir dobara kya use hui hai, g ki sound, g sound repeat ho rahi hai, kya yahan par use hua hai, alliteration. Theek hai, they come to rest at any cog, all streets in time are visited. नीचे आ जाए तो कहता है then children stood on streets and roads, are women coming from the shops, all smell of different dinners, see a wild white face. यहाँ पे फिर जो है वो क्या use हुई है, alliteration. ठीक है, तो alliteration वगैरह इस poem के अंदर use हुई है. Sense the solving emptiness. ठीक है, फिर sense की भी. ठीक है, तो ये आपने एक दफा देखते रहना. Poor soul they whisper at their own distress. तो ये आयरनी है जो एंड पे यहाँ पे यूज हुई है कि वो अपनी ही जो है वो बेसिकली तो वो अपनी डिस्ट्रेस पे क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, ये विस्पर कर रहे हैं, सरगोशियां कर रहे हैं. ठीक है, फिर वो कहता है द बोन अवे द डेड एंड एयर. देखें तो ये पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि एयर तो मुर्दा नहीं होती, मुर्दा तो ह्यूमन बींग्स होते हैं. व्हेन अ पोएट गिव्स ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू द नॉन ह्यूमन थिंग्स इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, तो मे गो टू सडन शट ऑफ लॉस राउंडिंग समथिंग नियरली एट द एंड एंड व्हाट कोहर्ड इट अक्रॉस द इयर्स द यूनिक रैंडम ब्लेंड ऑफ द फैमिलीज एंड फैशंस देयर. ओवरऑल डिक्शन आपको कैसा नजर आ रहा है, इसका डिक्शन जो है, चॉइस ऑफ वर्ड्स, इट्स अ कोलोक्वियल चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो कोलोक्वियल है, यानी जो आम गुफ्तगू होती है ना, ज्यादा कोई फिलोसॉफिकल वर्ड्स इसने यूज नहीं किए हुए. ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज जो कि आम बोलचाल की लैंग्वेज हो उसको हम कहते हैं कोलोक्वियल लैंग्वेज. ठीक है, कोलोक्वियल डिक्शन इसने यूज किया हुआ है. ठीक है, इसके अलावा जो है एट लास्ट बिगिन टू लूजन फॉर फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ लव टू लाई. ठीक है, तो लव टू लाई जो है ये भी एलिट्रेशन है. ठीक है, तो ये आपने देख लेना है. बाकी मजीद भी अगर आपको कोई नजर आए तो वो भी आपने नोट कर लेनी है. ये भी फैशन ऑफ फैमिलीज ऑफ फैशन ऑफ फैमिलीज एंड फैशन. ठीक है, यहाँ पे तीन दफा एफ की साउंड रिपीट हो रही है. ठीक है, एलिट्रेशन का पता चल गया ना सबको? यस सर. ओके, सो एलिट्रेशन है. बाकी सारी ये जो क्या उसको कहते हैं स्ट्रक्चर के हवाले से वो आपने देख लेना है. टोन जो है ओवरऑल वो उसने पहले भी बताया कि चूंकि वो बात कर रहा है डेथ की तो टोन क्या होगी, पेसिमिस्टिक टोन. हाँ, पेसिमिस्टिक टोन या ग्लूमी टोन जो है वो इसकी नजर आ रही है. ठीक है, ओके जी, सो ये हो गया एम्बुलेंस की. इसकी देखते हैं जी क्रिटिकल एप्रिसिएशन और फिर हम आगे चलेंगे. क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़े जी बेटा, सुबह आप पढ़े. In this poem, the poet has tried to highlight the condition of the. मैं ना ये question को explain कर दूँ थोड़ा सा कि they discuss the use of epiphany in Larkin's Mr. Blinney and Ambulances. ठीक है, epiphany किसको कहते हैं, याद होगा शायद आपने नहीं पढ़ा होगा. Part two में poem है उसमें, part two में novel है उसमें आता है ये जो portrait of the artist as a young man. पढ़ा है आपने? तो उसको आप कहते हैं कि जो आपको उसी वक्त कोई इंकशाफ हो किसी चीज का, बैठे हुए हो
तो उसी वक्त आप किसी चीज का इंकशाफ हो कि ये चीज तो ऐसी होनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं किसी जगह पे और आपको उसी वक्त जो है वो चंद नौजवान जो है यंग वो नजर आते हैं बिल्कुल बैठे हुए कुछ भी नहीं कर रहे, तो आपको उसी वक्त एक एपिफनी आती है कि यंग पीपल शुड नेवर बी सिटिंग आइडल एट ऑल, इनको हमेशा तामीरी कंस्ट्रक्टिव काम करते हुए नजर आना चाहिए। तो बूढ़े लोगों को बैठा हुआ नजर आ जाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन यंग पीपल फालतू बैठे हुए नजर नहीं आने चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरह जैसे आप पढ़ेंगे ये पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले हैं वो पढ़ेंगे उसके अंदर, तो वो उसको नजर आता है एक क्या उसको एपिफनीज आती हैं। ठीक है, यानी सडन रेवलेशन होती है, बहुत सी चीजें उसके माइंड में आ जाती हैं एक देख कर, ठीक है, किसी भी चीज को। ठीक है, तो वो उसका होता है एक जो हीरो होता है, ठीक है, उसमें वो बताता है। तो लेट्स सी सेकंड में वो कहता है द पोइम एम्बुलेंस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लॉकिंस कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ डिस्कस। ठीक है, इसमें वो लॉकिंग का जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ है उसको प्रेजेंट करता है, इसको डिस्कस करें। सो स्टडी करें जी, रीड करें फर्स्ट पैराग्राफ। In this poem, the poet has tried to highlight the condition of the British nation during 1960s. The after effects of the Second World War haunted the British society for more than two decades. Larkin was failed to come out of these effects of wars. He became pessimistic and melancholic. He thinks that modern world has become insensitive to attend the distress of others. नेक्स्ट पढ़ें जी फरियाल। An ambulance signifies illness. It fills its spectators with the thought of death. Its spectators anticipate that their own life is coming to an end when they see an ailing man being taken to a hospital by an ambulance. The approach of death would mean an end of family relationship. Larkin had been obsessed with the fact of death throughout his life. Therefore, it is a pessimistic poem with an atmosphere of pathos and melancholy hovering over it. Okay, जी, तो ये बताता है कि illness को signify कर रही है, ठीक है, फिर वो ailing man जो बीमार आदमी को लेकर जा रहे हैं hospital की तरफ, और एक मंडलाती हुई मौत नजर आ रही है, ठीक है, होवरिंग जो मंडला रही है, और पेथोस का एटमॉस्फेयर है, यानी एक दुख का गम का ट्रेजेडी सी एक नजर आ रही है। ठीक है, इससे आगे पढ़े जी, नेक्स्ट किरण चली गई है, चले सबा पढ़े। The first two stanza of the poem contains a very vivid and realistic imagery. When an ambulance comes to a stop, women coming from the shop look at it and also at the wild, white face of the sick man who is being taken to a hospital. Past smells of different dinners means that these women passed several food shops, emitting odors of different kinds. The remaining three stanza of this poem contains the poet's reflections and meditations on the sad fate waiting for all of us. The entire life of an individual loses its meaning in the face of death. There is also a vivid picture in the line, the traffic parts to let go by. It means when an ambulance is driving through a road, the people quickly move away to make way for the ambulance. Yes, इसमें बताया गया है कि two stanzas of poem which have vivid or realistic imagery है इसके अंदर, ठीक है। When an ambulance comes to a stop, women coming from the shops looks at it. ये आप लोगों ने याद रखना है जो है पंजाब यूनिवर्सिटी वाले, कि जब भी poems खास तौर पे दोनों यानी कि critical appreciation आए तो आपने शुरू करना है title से, ठीक है। What is the title? What does it signify? वो टाइटल क्या सिग्निफाई कर रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने आने जाना है उस पोइम के अंदर, क्या थीम है, क्या चीज मेन बात क्या बताई गई है, जो एक एटमॉस्फेयर कैसा है, ठीक है, फिर उसको टच करते हुए स्टेंजा बाय स्टेंजा क्रिटिकली
बयान करते जाना है कि उसने जो वर्ड्स क्रिएट किए वो बेसिकली उसने कैसे इमेजेस दिखाए रीडर को, ठीक है, फिर रीडर कैसे परसीव करता है, ठीक है, और उस चीज को आगे लेकर जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, समटाइम इफ यू फॉरगेट सो यू माइट हैव अ सॉर्ट ऑफ अप्रोच दैट यू कैन स्टार्ट राइटिंग ऑन योर ऑन, ठीक है, कि आप खुद भी थोड़ा बहुत जो है उसको मोल्ड करते जाएं, ठीक है। इट मींस एन एम्बुलेंस इज ड्राइविंग थ्रू अ रोड, द पीपल क्विकली मूव अवे टू मेक अवे फॉर एम्बुलेंस। वो कहता है जी कि द पोएट हैज मेड अ वेरी ब्यूटीफुल यूज ऑफ विजुअल इमेजरी, ठीक है। ब्यूटीफुल जो है वो, क्योंकि आप एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, कोशिश करें इस तरह के वर्ड ना यूज करें, लिटरेरी से जो लफ्ज होते हैं ना वो अपनी वोकैबुलरी थोड़ी सी बनाएं और इंक्रीज करें, वो लिखते रहा करें किसी एक जगह पर। एक वर्ड है एक्सक्विजिट, XQUISITE, ठीक है। तो ऐसे के जब आप राइट करें तो ये ना पता चले कि कोई, अब जो ब्यूटीफुल का वर्ड है ये छठी क्लास के बच्चे को भी आता है, ठीक है, या मतलब के फोर क्लास के बच्चे को भी ये वर्ड आता है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टूडेंट ऑफ एमए इंग्लिश एंड द स्टूडेंट ऑफ फोर्थ क्लास, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा जो है वो लिटरेरी सी जो लैंग्वेज है वो कोशिश करनी है आपको यूज करने की, ठीक है, लेकिन वो ऐसी के वहां पर वो यूज भी हो जाती है, ठीक है। अगर आप मतलब है कि जैसे इसने विविड लिखा हुआ है तो गुड पिक्चर नहीं कहना, विविड जो है वो बेटर है, ठीक है। इसी तरह एक्सक्विजिट जो है ब्यूटीफुल की जगह पर ज्यादा जो लिटरेरी वर्ड हमें लग रहा है, ठीक है। तो यूज ऑफ विजुअल इमेजरी, फॉर एग्जाम्पल क्लोज लाइक कन्फेशनल्स, लाइट ग्लॉसी ग्रे, आर्म्स ऑन प्लेक, अ वाइट वाइल्ड फेस, ठीक है, ये फेस था इसने इफेक्ट कर दिया, ये ठीक कर लीजिएगा। रेड स्ट्रेचर, ब्लेंड ऑफ फैमिलीज, ऑडिटरी इमेजरी कैन बी ट्रेस्ड थ्रू द फ्रेज लाउड नून्स ऑफ सिटीज, ठीक है। वेयर एज ऑल्फैक्ट्री, ऑल्फैक्ट्री कहते हैं सेंस ऑफ जो स्मेल है, ठीक है, तो सूंघने की हिस से मतलब जो उसने इमेजरी बताई है वो है इज क्लियर इन द फ्रेज पास्ट स्मेल ऑफ डिफरेंट डिनर्स। द यूज ऑफ एलिट्रेशन इज ऑल्सो वेरी जो है वो ब्यूटिफुल, विविड और एक्सक्विजिट, और कोई वर्ड इसकी जगह पर यूज आप कर सकते हैं। क्लोज लाइक कन्फेशनल, ग्लॉसी ग्रे, कम कर्व, डिफरेंट डिनर्स, वाइड वाइड, सडन शाउट, फैमिलीज एंड फैशन एंड डल्स डिस्टेंस, ये सारी उसने एलिट्रेशन की एग्जाम्पल्स एंड पर दी हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड जो थी एम्बुलेंस की क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद है जी ये इसका एक क्वेश्चन, ठीक है, जो हम देखते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स मॉडर्निज्म, ठीक है। एक मॉडर्निज्म का क्वेश्चन मैंने देखा था जो पास पेपर्स बना के मैंने सेंड किए हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा वालों को, ठीक है। उसमें मॉडर्निज्म का एक क्वेश्चन था जो दो दफा मेरे ख्याल से आया हुआ है, जो कि उसका क्या मॉडर्न पोइट्री एज अ मॉडर्न पोइट लाकिन को आप एक्सप्रेस करें, ठीक है। तो ये देखते हैं, वो कहता है कि लाकिन्स पोइट्री एक्सप्रेसेस डिसकंटेंट। क्या, हाँ जी, सिर्फ चार पॉइंट्स, हाँ जी, सिर्फ चार पॉइंट्स हैं फिलिप लार्किन की आपके सिलेबस में, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा और पंजाब यूनिवर्सिटी दोनों के सिलेबस में सिर्फ चार पॉइंट्स हैं और चारों की चार सेम हैं दोनों यूनिवर्सिटीज में, जो हमने पहले शुरू से पढ़ी थी चर्च गोइंग, फिर उसके बाद मिस्टर पेलिनी, फिर एम्बुलेंसेज, और चौथी पॉइंट है वो 1914, ठीक है, 1914 जो है वो हमने आज दो आज पढ़ी हैं और दो से पहले। तो एक ये क्वेश्चन है हम आज कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो दो चार क्वेश्चन कोई रह जाएंगे उसको हम नेक्स्ट फ्राइडे को करके, तो फिर जो अगला शायर है वो फोर्थ कोई भी पॉइंट हम उसको शुरू करेंगे, ठीक है। एटीट्यूड टुवर्ड्स मॉडर्निज्म, उसका रवैया क्या था मॉडर्निज्म को लेकर। Larkin's poetry expresses discontent, यानी कि एक discontent, contentment होता है कि इंसान अपनी लाइफ से मुतमईन है, ठीक है, और discontent कि वो मुतमईन नहीं है। Discuss with close reference to the poems you have read. या दूसरा सवाल उसने बोला है कि there are several poems of Larkin which tentatively
explore the possibility of a positive meaning in life. Tentatively कहते हैं यानी कि able to change, जिसमें minor changes अभी भी हो सकती हैं. Tentatively explore, वो tentatively explore करता है possibility of a positive meaning in life. Okay, positive meaning की possibility जो है वो मौजूद है जिंदगी के अंदर. ठीक है. Discuss Larkin's attitude towards modernism. या उसका attitude modernism की तरफ क्या था, वो कहता है कि discuss करें. The Larkin is one of the most distinguished members of movement poetry. Okay. तो Larkin जो है ये एक बड़ा distinguished poet था, member था movement poetry का. ठीक है. तो ये movement poetry जो है ये आपने जहन में रखना है कॉन्सेप्ट कि मूवमेंट पोइट्री होती क्या है. ये वैसे उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है मूवमेंट पोइट्री का कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो बेसिकली ये सारे जो वॉर पोइट्स थे वर्ल्ड वॉर वन के बाद, तो जो 1930s में जो शायर थे और 1940s में, ठीक है, यानी 1930 की दहाई, 1930 से लेकर 40 तक, और 1940 से लेकर 50 तक की जो ये दहाई थी, दो दहाइयां थी, इनके अंदर जो शायर थे वो थोड़ी सी जो इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ बातें और साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ बातें जो हैं वो करते थे इस तरह की अजीब अजीब सी अपनी पोइट्री के अंदर. तो जैसे ही 1950s आया तो उसके अंदर जो कुछ शायर थे उन्होंने जो है वो ज़रा सा जो आम फहम गुफ्तगु होती है, आम बोल चाल होती है, कलोक्वियल लैंग्वेज और कलोक्वियल कॉन्सेप्ट्स जो जैसे इसने बयान किए हैं, एम्बुलेंस के अंदर कोई जा रहा है, कोई दिख रहा है, ठीक है, मिस्टर ब्लिनी एक आम बंदा है, वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, ठीक है. तो एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स को बयान किया कुछ शायरों ने और उस सब को जो है वो एक मूवमेंट पोइट्री का नाम दिया गया. ठीक है. तो डिफाइन जो डेफिनेशन जो है एग्जैक्ट मैं उसकी ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो इसने भी शायद आगे जाकर कुछ बताई होगी कि मूवमेंट पोइट्री जो थी, ही वाज, सो यू कैन से के ग्रुप ऑफ पोइट्स विच बिगेन फेम इन 1950s एंड दे वर अगेंस्ट द पोइट्री एज अ रिएक्शन टुवर्ड्स द पोइट्री ऑफ 1930s एंड 40s. And they were writing very colloquial concepts and everyday concepts in everyday language. ठीक है. तो वो everyday concepts, everyday language को लिख रहे थे. ठीक है. बयान कर रहे थे. ठीक है. तो repeat कर. क्या? Repeat कर दे. Group of poets, literary group of poets. Formed in 1950s a literary group of poets formed in 1950s emphasized expository comma documentary comma empirical and rational elements. A group of poets, a literary group of poets formed in 1950s which emphasized expository comma documentary comma empirical and rational elements. Okay. It includes Philip Larkin, comma DJ and Wright, D फिर J और N Wright, E N R I G H T, DJ and Wright, and Kingsley Amis, K I N G S L E Y, Kingsley Amis जो है एटसेट्रा, इस तरह के चंद एक नाम थे जो आपने वो ले लेने हैं इसके अंदर. ठीक है.
Kingsley, etc. Okay. Kingsley, MS, etc. जो इस तरह के चंद एक नाम है जो इसके अंदर थे, यानी फिलिप लार्किन था, डीजी एन राइट था, और ये किंग्सले एमएस वगैरह वगैरह थे। और वो क्या करते थे, कोलोकियल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो थे या एक्सपोजिटरी डॉक्यूमेंट्री कॉन्सेप्ट्स जो है उनको बयान करते थे। ठीक है, ऐसे पहले जो थे वो डिसइंटीग्रेशन को बहुत ज्यादा और जो साइकोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ बातें जो थी वो ज्यादा करते थे, और साइकोलॉजिकल जो है डिटेल्ड बातें वो ज्यादा करते। तो ये जो है ये जरा नॉर्मल सी जो डेली लाइफ की बातें होती हैं उसको अपनी पोइट्री में पोर्ट्रे करते थे। ठीक है, तो ये हैं जी इसके कॉन्सेप्ट। लार्किन इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द मूवमेंट पोइट्री, मूवमेंट पोइट इसको कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाई लार्किन, फिलिप लार्किन इज कॉल्ड अ मूवमेंट पोइट, के उसको फिलिप लार्किन को मूवमेंट पोइट क्यों कहा जाता है। ठीक है, ही वाज इंप्रेस्ड बाय द सिंबलिस्ट पोइट्री ऑफ डब्ल्यू बी यीट्स, बट आफ्टरवर्ड्स ही रिजेक्टेड यीट्स इन फेवर ऑफ थॉमस हार्डी। ठीक है, तो वो पहले तो मुतासर हुआ जो सिंबलिस्ट पोइट्री थी डब्ल्यू बी यीट्स की, लेकिन डब्ल्यू बी यीट्स भी एक मॉडर्न पोइट था। ठीक है, तो ये भी, लेकिन उसके बाद उसने इसको कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया और फेवर ऑफ थॉमस हार्डी या थॉमस हार्डी, दोनों तरह से बोला जाता है, थॉमस भी और थॉमस भी। तो थॉमस हार्डी जो था ये पेसिमिस्ट था। ठीक है, पेसिमिस्टिक थी इसकी अप्रोच, तो इसके तरफ उसका ज्यादा जो है वो रुगबत हो गई। थॉमस हार्डी जो था ये नॉवलिस्ट था विक्टोरियन एज का, आपने शायद पार्ट वन में इसके नॉवल दोनों जो है वो सर पढ़ा है इसका नॉवल। हाँ, जो रिटर्न ऑफ द नेटिव है पंजाब यूनिवर्सिटी में और सरगोधा यूनिवर्सिटी में, कौन सा है, Tess of the Abervilles जो है। ठीक है, वो होगा। Though he belongs to modern age, yet he was traditionalist and a critic against modernism. Particularly, he is against Parker, Pound, Ezra Pound and Picasso because he thinks that modernism helped poor people neither to enjoy nor endure this kind of art. Okay, he believes that modernist art do not have any lasting power. Okay, कहता है कि modernist के अंदर कोई power नहीं है, lasting power वो उसके मुताबिक नहीं है। It mystifies. Okay, तो ये ज्यादा mystify कर देता है, outrages the people and it is filled with vulgarity and violence. ठीक है, वो कहता है इसमें जोर ज्यादा mysteries बन जाती हैं और आउटरेज कर देता है, वो ज्यादा गुस्सा दिलाता है लोगों को। Larkin seems to think that modernist art, whether music, painting or poetry, are complex. ये वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा पेचीदा हैं ये सारे आर्ट्स जो हैं, ठीक है, and difficult to explain, उनको बयान करना मुश्किल है। ठीक है, in this view, इस व्यू में such works as the wasteland, जैसे कि wasteland है और the Ulysses है, contain difficult references which put a reader in great complexity. ठीक है, तो जो के कम्प्लेक्सिटी में डाल देते हैं, और वो कह भी सही रहा है कि जो द वेस्टलैंड है वो भी और जो यूलिसिस जो है, ठीक है, ये दोनों इसमें जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट है वो भी आम तौर पे समझ नहीं आता कि वो एक बात कहीं और की कर रहा होता है, दूसरी बात किसी और की शुरू कर देता है, काम रीडर को उसकी अच्छे तरीके से समझ नहीं आती। और जो ग्रेट कम्प्लेक्सिटी है रेफरेंसेस भी, ठीक है, ये भी वेस्टलैंड के अंदर और यूलिसिस के अंदर, यानी ओल्ड रेफरेंसेस जो बिब्लिकल रेफरेंसेस या मिथोलॉजिकल रेफरेंसेस, अगर एक रीडर ने ये पढ़े ही नहीं है तो वो कैसे समझ सकता है, तो इसलिए वो बहुत कम्प्लेक्स है। ठीक है, हर रीडर जो कि एक एक्सटेंसिव रीडर नहीं है, मिथोलॉजी जिसने नहीं पढ़ी हुई, तो उसको इसकी समझ आना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए वो कहता है मॉडर्निस्ट जो है ये कम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा पोइट्री लार्किन के मुताबिक। दू Larkin's early poetry is Yeatsian. वो Yeats से मुतासर होकर उसने लिखी अर्ली पोइट्री जो है जिसमें सिम्बल्स थे काफी एंड रिटोरिकल, yet his diction and metrics show that he is also influenced by the poetry of Ezra Pound. कि वो जो है वो Ezra Pound की पोइट्री से भी मुतासर है। Ezra Pound जो थी वो भी इमेजरी
जो है वो ज्यादा यूज करती थी. इमेजेस पोइट्स में इसका भी शुमार होता था और सिंबॉलिक जो सिंबलिज्म है उसमें भी इसका शुमार होता था. लार्किन बिलीव्स दैट एवरी पोइम मस्ट बी इट्स ओन सोल फ्रेशली क्रिएटेड यूनिवर्स. ही डज नॉट बिलीव इन अ कॉमन मिथ मेकिंग जो है, ठीक है, तो कहता है कि हर पोइम जो है वो एक नए तरीके से लिखनी चाहिए बजाय कि बंदा किसी एक स्ट्रक्चर को पकड़ ले और उसी को फॉलो करता रहे. ही आल्सो रिजेक्ट्स द एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ पोइट्री अडॉप्टेड बाय मॉडर्निस्ट्स. तो वो एक जो एवोल्यूशनरी व्यू है पोइट्री का जो कि मॉडर्निस्ट ने अपनाया हुआ उसको भी वो जो है वो रिजेक्ट करता है. हिज एंटी मॉडर्निज्म आल्सो अट्रैक्ट्स हिम टू द ट्रेडिशनल पोएट्स लाइक वर्ड्सवर्थ, हार्डी, एडवर्ड थॉमस वगैरह. ठीक है, तो वो जो एंटी मॉडर्निज्म है तो उसका जो ये स्टांस है आल्सो अट्रैक्ट्स हिम टुवर्ड्स ट्रेडिशनल पोइट्स, तो वो उन्हें उसकी तरफ ले जाता है जो ट्रेडिशनल पोइट्स थे. दीज पोइट्स ऑलवेज यूज एन इजी मॉडरेट लैंग्वेज, अ लैंग्वेज यूज बाय कॉमन मैन. ठीक है, तो वो सारे कॉलोक्वियल लैंग्वेज यूज करते थे, एक आम लैंग्वेज जो कि कॉमन मैन यूज करते हैं. ठीक है, फर्स्टली ही रिजेक्ट्स द एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. हाँ जी, तो पहले वो कॉम्प्लेक्सिटी के एलिमेंट को क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है. यहां से पढ़ें जी फरियाल. फर्स्टली ही रिजेक्ट्स द एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्स्क्योरिटी एंड मिस्टिफिकेशन. ही चूजेस ओनली फेमिलियर सब्जेक्ट्स एंड मैटर्स ऑफ डेली इंटरेस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज पोएम्स. ही डज नॉट डील विद अब्स्ट्रैक्शन बट विद द कंसेंट. सर स्क्रीन आगे करें मत. कंक्रीट रियलिटीज ऑफ लाइफ. ओके, कंक्रीट रियलिटीज ऑफ लाइफ इज इन द पोएम एट ग्रास मेडिटेट्स अपॉन अ नंबर ऑफ रिटायर्ड रेस हॉर्सेस इन अ रेस. सर स्क्रीन से नजर नहीं आ रहा. इन अ मेडो. Race horses in a meadow. These race horses are a concentrated reality which anybody could have witnessed because they are the symbols of past glory. There is nothing transcendental in this poem. It symbolically deals with human beings in their state of retirement. हाँ, तो ये वो कह रहा है कि उसकी poems के अंदर कुछ भी वो spiritual नहीं होता, transcendental नहीं होता. तो ये वो कहता है कि जो complexity है उसको उसने reject किया. Obscurity भी, obscurity कहते हैं कि जो चीज गैर वाजे छोड़ दी जाए, ठीक है, और mysterious जो mysterious type छोड़ दी जाए, ठीक है, जिसकी समझ ही नहीं आ रही रीडर को, तो वो कहता है कि वो उस चीज के खिलाफ था. कहता है कि आसानी से ऐसी चीज लिखी जाए जो कि समझ आ जाए. He doesn't deal with abstractions. Abstractions कहते हैं कि philosophical concepts को जो है वो बड़े बड़े ऐसे philosophical concepts जिनकी वो कहता है जरूरत ही नहीं है शायद, ठीक है, तो उसके वो खिलाफ था. वो कंक्रीट रियलिटीज ऑफ लाइफ को डिस्कस करता था. ठीक है, वो कहता है कि देयर इज नथिंग ट्रांसेंडेंटल. कोई फिलोसॉफी, फिलोसॉफिकल चीजें या जो स्पिरिचुअलिटी अजीम किस्म की वो नहीं थी उसके पोएट्री के अंदर. ठीक है, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ें जी पैराग्राफ सुबह. Anti-modernist elements are also found in the poems Wedding Wind and Church Going. The poem Wedding Wind describes the thoughts of a newly married woman. Again, the subject is not something unusual or abstract or puzzling. Anyone can imagine what a newly married couple think after the first sexual experience. The bride feels blissfully happy after the intensely pleasurable intercourse, but she feels afraid that somebody will snatch her happy life. This shows that human beings can never be sure about the state of a happiness, whether it would be lasting or not. There is nothing surprising about the thoughts of this woman. Thus, Larkin is again dealing with a stark reality. Okay, so wo badi yani normal si aur bold cheeze in easy words mein wo बयान कर रहा है. ठीक है, एलिमेंट्स फाउंड इन पॉइंट वेडिंग विंड और ये दूसरे जितने भी हैं उनके अंदर भी, पॉइंट्स के अंदर, चर्च गोइंग में भी. द पोइम विंड डिस्क्राइब्स द थॉट्स ऑफ न्यूली मैरिड कपल जो है या मैरिड वुमेन, उसके बारे में जो बयान कर रहा है उसका जैसा भी वो एक्सपीरियंस था. ठीक है, और कैसे वो हर ब्राइड फील्स ब्लिसफुली हैप्पी आफ्टर इंटेंसली प्लेजरेबल
intercourse, but she feels afraid that some